हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक RX 100 के ऊपर वीडियो डाला था जो मेरे फ्रेंड का था, जो हम लोग ने 10,000 रुपीज़ में खरीदा था। तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं। तो हाँ, आज वही वीडियो होने वाला है। हम लोग ने पहले जो थे एकदम अंकल जैसे दिखती थी वो गाड़ी, उसमें डब्बे थे, फिर गार्ड था, बहुत सारी चीज़ें उसमें से हम लोग निकाल चुके हैं और उसका हैंडल भी हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या करते हैं, आपको मैं RX 100 दिखा देता हूँ कि अभी कौन से कंडीशन में और हम लोग उसको चेंज कैसे करने वाले। आपको इसमें काफ़ी चेंजेस लगेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो से। तो सबसे पहला चेंज जो है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडल हम लोग ने एक्चुअली ये दूसरा डाला है, थोड़ा वाइड हैंडल बार है और इसको चलाने में काफी कंफर्टेबल रहता है। पुराना हैंडल था वो थोड़े गोल टाइप में था, बट ये थोड़ा स्टाइलिश दिखता है और आप पीछे से एक बार लुक देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हम लोग ने किया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो चेन कवर है ये निकाल दिया है। तो ये निकालने के बाद इसको थोड़ा और अच्छा रॉ लुक मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सारी गार्ड था जो हर इंडियन मोटरसाइकिल में रहता है, तो वो भी हम लोग ने निकाल दिया है। तो इससे काफी अच्छा लुक दिख रहा है और आप देख सकते हो गाड़ी कितनी अच्छी दिख रही है। और आगे का गार्ड जो है हम लोग ने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गाड़ी एकदम ज्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा बहुत स्टॉक रखेंगे। तो ये थोड़ा यूनिक लग रहा था हम लोग को, तो इसके लिए हम लोग ने गार्ड निकाला नहीं। नेक्स्ट जो चीज हम लोग ने किया, यहाँ पे आप देख सकते हो यामाहा का एक टिप टॉप कंपनी का कोई तो है सीट कवर हम लोग ने इसमें इंस्टॉल किया है। पुराने सीट कवर जो था वो फटा हुआ था, बट अभी आप देख सकते हो पीछे यामाहा का भी ब्रांडिंग है और हमारा सीट कवर भी एकदम प्रॉपरली फिट हो चुका है। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में आपने देखा रहेगा यहाँ पे जो अंकल लोग यूज करते हैं वो स्टोरेज कंपार्टमेंट था, वो भी हम लोग ने निकाल दिया क्योंकि वो तो यूज करना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, हमारे जो टायर्स है वो हम लोग चेंज करने वाले और दो तीन चीज और जो है इसमें चेंजेस होने वाले। ये बड़ा सा जो गार्ड है पीछे का पिलियन के लिए ये हम लोग कटिंग कर देंगे, इतना अच्छा दिख रहा नहीं है, हम लोग को इसकी जरूरत भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी जो हमारा लोगो है ये भी खराब हो चुका है, तो ये भी हम लोग चेंज कर देंगे। बाकी पेंट स्कीम के बारे में बात करें तो पेंट काफी अच्छा है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हल्के फुल्के इसमें रस्ट आ चुका है। अगर ये रस्ट निकालने का एक छोटा सा अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो जस्ट कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइस अभी हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इसके टायर चेंज करने वाले। टायर हम लोग थोड़े इसके ऑफ रोड टायर डालने वाले, जैसे कि वो बोलते हैं कोई कोई बटन टायर जो रहते हैं जिसमें ज्यादा ग्रिप्स रहते हैं वो वाले इंस्टॉल करने वाले, ताकि जो है रियर लुक और फ्रंट लुक काफी अच्छा दिखे। ऐसे कुछ टायर्स है इसके, ये लाइन लाइन वाले टायर्स और टायर्स एकदम खराब हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि टायर्स इसके चेंज करवा देते। नॉर्मल दुकान से हम लोग नहीं खरीदने वाले, टायर्स एम्बलम्स और एक्टिवा के लिए मेरे को दो तीन सामान लेना है। हम लोग डायरेक्ट अभी जा रहे हैं कुर्ला उसको बाय करने के लिए। तो गाइस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है ओलम ट्रेड। इसे आप गाइस डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए डाउनलोड लिंक को क्लिक करते हो डायरेक्टली ओलम ट्रेड को डाउनलोड कर सकते हो। इसको ओपन करने के बाद आपको जस्ट एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, उसको जस्ट आपको कंप्लीट करना है। मेरा तो पहले से रजिस्टर्ड है तो जस्ट मैं लॉग इन कर लेता हूँ इसमें। इसमें आप देखोगे तो नॉर्मल जैसे हर ट्रेडिंग वेबसाइट में ग्राफ रहते हैं वैसे ही रहते हैं। इसमें भी आपको एक डेमो अकाउंट मिल जाएगा और एक लाइव अकाउंट मिल जाएगा, बट आज हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग डेमो अकाउंट में खेल लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं कि डेमो अकाउंट में हम लोग कैसे ट्रेड कर पाते। एंड यस गाइस, जैसे कि आपने देखा हम लोग डेमो अकाउंट में अभी जीत चुके हैं और एक बार हम लोग अभी ट्रेड करके देखेंगे डेमो अकाउंट पे, उसके बाद रियल अकाउंट पे जाएंगे। तो गाइस वापस से देखा आपने, हम लोग ने वापस से एक ट्रेड मार लिया डेमो अकाउंट में। आज हम लोग लाइव अकाउंट से ट्रेडिंग करने वाले, तो लाइव अकाउंट में मैं क्लिक कर लेता हूँ। लाइव अकाउंट में मेरे पैसे नहीं है तो जस्ट हम लोग अभी डिपॉजिट कर लेंगे पैसे, और डिपॉजिट करने के लिए हम लोग एक प्रोमो कोड भी यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम लोग को 30% बोनस मिल जाएगा। अभी मैं टाइप कर देता हूँ प्रोमो कोड, तो आप देख सकते हो +30%। तो एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग ये प्रोमो कोड। हमारे अकाउंट में अभी आप देख सकते हो आ गए $39। तो हम लोग ने सिर्फ $30 डाले थे बट $9 हम लोग को बोनस मिल गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक $10 का बिट खेलेंगे गाइस। मैं अप के ऊपर लगा देता हूँ ट्रेड। एंड यस गाइस, जैसे कि आपने देखा अभी हम लोग जीत चुके हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने कम टाइम में मैंने इतने अच्छे प्रॉफिट्स कमा लिए। तो इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो, जो आपने कार्ड सेव किया था वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए। तो गाइस अभी हम लोग आ गए कुर्ला मार्केट, देखते हैं हम लोग की टायर मिलता है या नहीं मिलता है। अभी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा हम लोग को टायर के लिए। पीछे आप देख सकते हो सारे मतलब मोटरसाइकिल के सब पार्ट जो है सब लटके हुए, देख सकते हो गाइस पीछे सब टायर रखे हुए एकदम से। तो अभी हम लोग जस्ट टायर सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा टायर खरीदना है हम लोग को। तो कोई टायर नए हैं, कोई टायर पुराने हैं, तो देख रहे हैं हम लोग कि कौन सा टायर चूज करना है। तो गाइस अभी हम लोग ने टायर खरीद लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ टायर, ये फ्रंट है, ये रियर है, आगे का सेकंड हैंड है और पीछे का जो टायर है वो नया हम लोग ने खरीदा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट बटन टायर है, मतलब ऑफ रोड टायर से। यामाहा का और RX 100 का दोनों का एम्बलम्स खरीद लिया है।
LED साइड इंडिकेटर्स खरीद लिया है हमारी एक्टिवा के लिए। अभी हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट घर पे, आगे हम लोग प्राइजेस सब डिस्कस करेंगे। हम लोग को काफी अच्छी डील मिली ये बार, गए बार भी आए थे हम लोग बट इतना अच्छा हम लोग को मतलब प्राइस में नहीं मिला तो हम लोग ने नहीं खरीदा, बट ये बार हम लोग ने डायरेक्टली टायर बाय कर लिया। कुर्ला में आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बता नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्दी थी वहाँ पे, और जो नॉर्मल हम लोग के टायर्स लगे आगे और पीछे दोनों MRF के ही है, दोनों के डिजाइन अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे सीधे डिजाइन है, और पीछे का टायर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, तो देख सकते हो आप ऐसे कुछ डिजाइन है इसके। यहाँ पे इन लोग ने कुछ ब्रांडिंग तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी ब्रांडिंग मिटाया गया हुआ है मेड इन इंडिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी फ्रॉम थाईलैंड। पीछे के व्हील में लगने वाला है तो ये वाले टायर अभी ऐसे हो जाएंगे। ये हम लोग का फ्रंट टायर है और ये टायर का कंपनी का जो नाम है वो है TVS टायर। इसके जो ग्रूव्स है ये सारे बनाए हुए टायर में जो है ब्लैक कलर का इन लोग ने एक डाई लगाया जिसके वजह से प्रॉपरली ब्लैक शाइन कर रहा है वापस से। दोनों टायर ही हम लोगों को 1800 से लेकर 2000 तक का पड़ा है कुर्ला मार्केट में, बट ये प्राइस वेरी करता है आपके बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये दोनों जो टायर है हम लोग नॉर्मल स्टोर से बाई कर सकते थे जैसे कि कोई MRF का शोरूम या फिर C8 का शोरूम। कुर्ला से बाई करने का ये रीजन था कि हम लोग को काफी चीप में मिल गया ये टायर, और सबसे पहली बात ये RX100 जो है ये डेली ड्राइवर नहीं है, मेरा जो फ्रेंड चलाता है वो दूसरी गाड़ी चलाता है, ये कभी वीकेंड्स होगा या फिर कभी मन किया तो एरिया में चलाने के लिए ही है, तो हम लोग ये गाड़ी को ज्यादा किलोमीटर चलाने नहीं वाले, तो ये टायर काफी बेटर रहेंगे इसके लिए। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई टायर वाले शॉप के पास जाते हैं, ये टायर चेंज करते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी के ऊपर लुक कैसा आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो आगे वाला जो टायर हम लोग ने फिट कर दिया, यहाँ पे एक्चुअली एक सेटिंग इन लोग ने दिया हुआ है जिसकी वजह से हम लोग ने थोड़ा मड़गार्ड ऊपर लिया है तो काफी क्लियरेंस यहाँ पे मिल गया है, मतलब टच नहीं हो रहा है एकदम प्रॉपर है। हमारा जो टायर है ये प्रॉपरली फिट हो गया है, मुझे ऐसा लगा था गाइस कि स्विंग आर्म में कुछ करना पड़ेगा बट फिटिंग आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर है। हम लोगों को भी स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं फिट होने वाला है और बहुत सारे टायर वाले भी बोल रहे थे कि नहीं लगने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग ये वाला जो कैरियर है ये निकालने वाले हैं। हम लोग ने पीछे का जो कंप्लीट सेक्शन था वो कट कर दिया, अभी इसमें जस्ट थोड़ा सरफेसिंग करना बाकी है, ये हम लोग कर देंगे बाद में, और नीचे से भी अच्छी तरीके से कट कर दिया तो ये पीछे से थोड़ा प्रॉपर लग रहा है अभी। ये वाला जो लोगो है हम लोग ने कुर्ला से लेकर आया तो ये हम लोग अभी चेंज करेंगे। चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो स्क्रूज है इसके मदद से ये डायरेक्टली निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग हमारी एक्टिवा का जो बल्ब है उसको चेंज कर देते हैं, ये पार्किंग बल्ब है और ये दोनों साइड इंडिकेटर से आगे वाले। और आप देख सकते हो गाइस यमा का एम्बलम जो है काफी अच्छा दिख रहा है और ये ब्रांड न्यू हो चुका है अभी। RX100 जो है वो धीरे धीरे नई मतलब रिस्टोर होती जा रही है, ऐसे इंजन रिलेटेड कुछ भी इश्यूज नहीं है तो भी हम लोग ने इसका काफी अच्छी तरीके से सर्विसिंग करवाया और इसका लुक अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। आपको एक RX100 के ऊपर पूरी सीरीज चाहिए रही है ये बाइक में नहीं, हम लोग शायद दूसरी बाइक परचेज करके उसको काफी अच्छी तरीके से रिस्टोर करेंगे, तो अगर वो आपको चाहिए रहेगा तो जस्ट लाइक करके बता दीजिए और मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट, लव टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। Till then, wait for my next video.